recycle, reuse and reduce. Hello everybody. तो कैसे लग रहे हैं ये फूल आपको? आज जिनके यहाँ गार्डन टूर पे आई हूँ, क्या कहने उनके, उन्होंने तरह तरह के फूल, वैरायटी के पॉट्स और साथ में अपनी टेरेस को एक खुशनुमा एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करा हुआ है। और ये पूरे टेरेस आज हम आपको धीरे 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 करके अनफोल्ड करेंगे। दिल्ली में नारायणा विहार में ये गार्डनर रहते हैं और उन्होंने अपनी टेरेस को वैरायटी से भर दिया है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू सुनीता कक्कड़ जी। थैंक यू सुनीता जी। तो चले टूर शुरू करें आपका। दिल्ली में आपको टेरेस का टूर करवाती हूँ, आए। जी मेरे पनीष जी वेलकम कर रहे हैं। कितने सुंदर आपने ये सारे के सारा कॉर्नर बनाया हुआ है अपना। ये एक तरीके से फोकल पॉइंट है आपके गार्डन का, ये बहुत सुंदर लग रहा है। चौकीदार बाबा हैं जो सारे गार्डन की ध्यान रखते हैं। वेरी प्रीटी। ये फरकेरिया का प्लांट है मेरा। वाओ, ग्रीनरी कितनी सुंदर लग रही है। ये इधर अडेनियम कॉर्नर है मेरा। ओके, अभी आजकल अब बस इनकी कटिंग शेड्यूल शुरू होएगी सब। अच्छा, तो कटिंग से आपने खुद ही बनाई है? नहीं नहीं, ये तो ये कटिंग का है, ये 8 साल पुराना है मेरा। अच्छा, और ये भी कटिंग का है, बाकी तो सारे बल्ब से लिया। ओके ओके, ये बड़ा बड़ी प्यारी लग रही है ट्रे। थैंक यू। ये सारे कैक्टस हैं मेरे। अच्छा, अलग अलग मेरे पास 12-13 तरह के कैक्टस हैं, उनको सबको एक एक करके लगाया था मैंने। सो प्रीटी, थैंक यू। और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, कैक्टस भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। मेरा बोगनविला, ये कोई कटिंग से तैयार की हुई है। एक इसमें ग्राफ भी करा था मैंने, उसमें 3-4 कलर तो हो गया था सक्सेस। ये पेंजी मेरा कॉर्नर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। टावर सा आपने बनाया हुआ है। थैंक यू, बहुत सुंदर है टावर सा। पेंजी का टावर है ये। इधर मेरे जेड है। ओ, ये घड़े में छेद करके आपने जेड लगाया हुआ है। घड़े में दो घड़े हैं ये मेरे। ओके, ये झूला था राधा कृष्ण जी का। अच्छा, ये तो सब आपने खुद जेड को पूरा ट्विस्ट कर करके? हाँ, ये सारे जेड को ट्विस्ट करा हुआ। और ये आपने क्यों लगाए हुए हैं? ये लंगूर बंदर आते हैं इसलिए। अच्छा, बंदरों से बचाने के लिए लंगूर टांगे। तो काफी हमारे गार्डनर्स को प्रॉब्लम आती है। तो टांगे हैं, भाग गया था इसको देख के डर के। अच्छा, हाँ। ये तो इतना सुंदर है। वाओ, ये कलौंचे निकले। ओ वाओ, ये बॉन्साई है? नहीं नहीं, ऐसे गमले में था, पीछे गमला रखा। अच्छा, पीछे गमला है। ये देखो जगह। थैंक यू, बहुत सी सारे। ये इसकी जेड की, मेरी हीरोइन की चोटियाँ। ओह, सो स्वीट, थैंक यू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गणेश जी यहाँ पर भी हैं। और ये फिर जेड क्या है? जेड के पास ये जेड है, बस ऐसी जो भी मन करता शेप दे लेती हूँ। ये मैं मोर पे काम कर रही हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ। ओके, ये मोर, ये पंख है मोर के, अभी ये उसका? हाँ, ये बना रही हूँ, अभी बनानी है पूरा। वेरी प्रीटी, जेड से खेलने में बड़ा मजा आता है, आप उसको कोई भी शेप दे दो। अच्छा, सो शेप देने के लिए जेड इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, ये फाइकस के प्लांट्स है मेरे, कोई कटिंग से है, कोई प्लांट है, कटिंग से भी बहुत सारे बनाए हुए हैं मैंने। ये सारे कटिंग के हैं मेरे। अच्छा, कटिंग से लग जाता है फाइकस? हाँ, ये सारा भी झुंड फाइकस का कटिंग से है। अच्छा, कटिंग से फाइकस बहुत आराम से लगता है? बड़े आराम से, बहुत आराम से। ओके, हाँ। और ये बीच बीच में आपने बहुत अच्छे वो लगाए हुए हैं। हाँ, ये सोलर लाइट्स हैं। अच्छा, कहाँ पर ये? इसके लिए देखो। ओ, ये सोलर लाइट्स हैं। हाँ जी, वाह, रात में ये। हाँ, बहुत अच्छे से। वो अम्ब्रेला है उधर, उसका बड़ा अच्छा है वो भी। ओके, ये मेरा पेटूनिया टावर है, इस बार ही लेट हो गया पेटूनिया। हाँ, इस बार पेटूनिया। हाँ, ये डैनथस है इधर, और ये फाइकस लगाए हुए हैं आपने। फाइकस हैं ये सारे। एक एजिंग दी हुई है आपने अपने। हाँ, मतलब ये शायद आपके घर के बाहर से ये दिखते हैं? हाँ, ये बाहर, आप बाहर से देखोगे तो दिखेंगे आपको। ये लिलियम के प्लांट्स हैं, वो रेनिकुलस अभी आए नहीं है फ्लावर, और बोगनविला, रेनिकुलस, फिर लिलियम,
ये डेलियाज, वाओ डेलियाज बहुत सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू, ये रोजेस, ओके, हाँ ये स्टॉक, वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू, ये स्टॉक प्लांट्स है, ये रोज है, सुंदर सा निकल के आ रहा है, बहुत प्यारा है, थैंक बहुत ज़्यादा रोजेस, तो अभी इनमें आएंगे, गर्मियों में आते हैं रोजेस, नहीं 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 बस मार्च तक, ये आपने पूरा ये दिखाना, ये पूरा आपने सिटिंग एरिया, ये मेरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे हमने अभी चाय पी है, ये मेरा बेस्ट, मेरी फैमिली के सिटिंग प्लेस बेस्ट था ये सबके लिए, तो यहाँ पे बैठ के आप अपने अभी हम ब्रेकफास्ट भी करते थे, संडे ब्रेकफास्ट भी करते, वाओ क्या बात है, कितने सुंदर फ्लावर्स, और मैं ये जो छोटे छोटे आपने पीसेस लगाए हुए हैं ना अपने हर जगह, दे आर रियली लुकिंग वेरी प्रिटी, थैंक यू, वो बिगोनिया है, वाओ केल बिगोनिया, वेरी कैलेंडुला, मेरे मोर, बहुत सुंदर, और ये जो ट्रक लगाया हुआ है ना ये भी, ये तो प्लांट्स लेके आता है ना मेरे गार्डन में, अच्छा हर चीज आपके गार्डन में प्रॉपरली वो लगाई हुई है, ये जरेनियम के प्लांट्स हैं, कौन ये जरेनियम है, वाओ वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर, अभी कैलेंडुला, वाओ कैलेंडुला इतना सुंदर और बढ़िया खिल रहा है ये, थैंक यू, ये जरबेरा, ये ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स तो बहुत ही सुंदर है, मैं अभी ट्यूलिप फेस्ट पे भी होके आई, कलर भी ये बहुत प्यारा है ट्यूलिप्स का, और ये एस्टर लिली है जो टाइम से पहले ग्रो हो गई है, इतनी ज्यादा तो कुछ स्पेशल करते हो आप इनके लिए? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, एज इट इज लगाया है बस, उस टाइम खाती है इनको नीचे, अच्छा, और इसमें जैसे ये बल्ब लगाने के टाइम पे कुछ बस करा? उस टाइम नीचे बल्ब के नीचे बोन मील और नीम खली डाल, ओके फ्रेंड्स, तो जब आप भी बल्बस प्लांट्स लगाने की सोचें तो उसके नीचे नीम खली और बोन मील जरूर डालिए, उससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हाँ, इनको बोन मील बहुत पसंद है बल्बस प्लांट्स को, वाह, और ये खिले भी ऐसे प्यारे प्यारे हुए हैं ना कि बस मजा ही आ गया, और ये कौन से कलर के हैं? वाओ ब्यूटीफुल, ये ब्लू ऑक्सिल्स है, मैंने वो वाली मछली बिरयानी आती है मेरे घर में, अच्छा उनको यूज करती हूँ, बहुत सुंदर कलर आपने उनको करवा दिया, और वो एक जैसे गेरू, हाँ गेरू कर देते, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, ये पटूनिया है सारे अभी आए नहीं, जो ये सिनेरिया है, सारे प्लांट्स, तो ये स्टैंड्स में आपने जो है कीलन से बचने के लिए हमें स्टैंड पे रखना थोड़ा निस्टेरिया ही, वाओ वो वेरी प्रिटी, इसमें पटूनिया लगे हुए हैं, ये नास्टेशियम है अभी आया ही, इसमें भी नास्टेशियम भी तो एडिबल होता है ना फ्लावर, एडिबल है, हाँ ये इंसुलिन प्लांट है, लोग बोलते हैं कि इसको खाने से शुगर वगैरह थोड़ा कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल करने, हाँ ये इंसुलिन प्लांट्स है, ये फिश फार्म है, और ये पाम्स है मेरे बंदर जी ने इनको छील के आधा कर दिया और ये भी कॉर्नर बड़ा प्यारा सा लग रहा है आपका, हाँ ये थोड़ा सा ऐसी अभी करा हुआ है ऐसी आपको बहुत शौक है छोटे छोटे से इनको लगाने का, और इससे ना बड़ी लाइफ आ गई है आपके गार्डन में, इससे थोड़ा सा वो आपको अच्छा लगता है, हाँ ये चकोतरा प्लांट है मेरा, वाओ इतना सारा बडिंग, वेरी प्रिटी, तो ये बड़े बड़े आपने गमलों में लगाए, हाँ ये 16 इंच का गमला है, 16 इंच के गमले हैं, ओके बहुत पुराना प्लांट है, अच्छा तो गार्डनिंग करते कितने साल हो गए आपको? ऐसे तो मेरे पास शुरू में तो शौकिया शौकिया पौधे लगाने शुरू करे थे, वो 35-6 ईयर ओल्ड प्लांट है, ओके तो लगाती रहती थी थोड़ा, अब लॉकडाउन में और ज़्यादा लॉकडाउन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कुछ करने को नहीं था ये मोगरा, ये अश्वगंधा, ये बेलपत्र, ये लेमन ग्रास भी थोड़ी अजीब सी मौसम के कारण ना थोड़ा काम है, ये भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कीनू का प्लांट है, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा इस साल इस पे, अच्छा वैसे आते हैं इसमें, हाँ, कीनू इस एक बार ले चुकी हूँ, तो कितने आए थे अप्रोक्सीमेटली? 3-4, अच्छा ये टेक्सास सेज है, हाँ बड़े सुंदर फ्लावर आते हैं इसमें, टेक्सास सेज है, अभी तो मौसम आगे आएगा फूलों का, फूलों का ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, नहीं पिंक पिंक का, ये पिंक, हाँ
वो सारे एलमंडाज हैं। ये तो गुलदाउदी नेक्स्ट ईयर के लिए रखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए आपने दो प्लांट हर कलर के 10 कलर है, ये 10 कलर्स को आपने स्टोर कर लिया। हाँ, नेक्स्ट ईयर इसकी फिर बनाऊंगी। ये नीम का पौधा है। वाओ, नीम तो मेरे ख्याल है हर एक स्किल्ड गार्डनर के यहाँ पे जरूर होता है। ये जामुन का है। जामुन का पौधा? हाँ। वाओ, ये चंपा आजकल अभी सोई हुई है। इसका टाइम आ रहा है। हाँ, सोए हुए हैं वो फालसे के। फालसे? हाँ। तो आते हैं फालसे? हाँ, आए हैं, 2 साल से आ रहे हैं। ओके, तो मतलब अगर कोई कहता है कि हम नहीं उगा सकते अपने घर, इजीली कोई ज्यादा कुछ कह नहीं रहा। मैं जैम बना चुकी हूँ, तोड़ चुकी हूँ सारी। वाओ, मार्मलेट बना चुकी हूँ मैं इस बारी। ये दालचीनी है, वेरी नाइस। ये भी नारंगी है, ये कितनी फ्रूटिंग हो रही है उस पे। ये पालक, ये पालक के पौधे बहुत अच्छे, मतलब ग्रोथ, मैच्योर ग्रोथ कितनी है। ये पाम मेरा, ये 36-7 ईयर ओल्ड है। ओह माय गॉड, इसका स्टॉक ही बता रहा है कि ये कितना ओल्ड है। तो ये भी आपने एक सिटिंग बनाई हुई है? हमारा, मेरे बच्चों को पार्टी का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा, बच्चों की पार्टीज के लिए आपने? पार्टी के लिए टेरेस यूज करते हैं। ओके, तभी आते हैं या आपके साथ भी कुछ करवाते हैं? नहीं नहीं, वो सिर्फ देखते हैं, खुश होते हैं, मम्मा करो। ओके, आपको इनकरेज करते हैं? हां, वो इनकरेज करते हैं मेरे को। अच्छा, ये हर सिंगार, बस अभी थोड़ा कटिंग वटिंग प्रूनिंग की जरूरत है इसको। हां, अब होगा आंवला। आंवले भी आते हैं? नहीं नहीं, इसका आंवला आया नहीं है अभी, तो किसी ने मेरे को अभी बोला कि एक प्लांट और होना चाहिए, पेयर होगा तो आएगा। ओके, मेरे पास भी आंवला है, तो एक और लेके आऊं? हाँ, लाना ही पड़ेगा मुझे भी लाना। ये करौंदा है, ये आते हैं करौंदे, खूब आते हैं। ये तो सब सैलेड लीव्स के, सैलेड लीव के सीड्स बन रहे हैं ये। तो यहाँ पे आपने अपना सब वेजिटेशन लगाया हुआ? हाँ, ये वेजिटेबल कॉर्नर है। वैसे मैं वेजिटेबल थोड़ा करती हूँ कम। अच्छा, मेरे को फ्लावर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, ये मेरे नींबू के प्लांट्स हैं। माय गॉड, लुक एट द फ्लावर्स। मैं 1 kg ले चुकी हूँ इनसे नींबू पहले। ओ वाओ, और इसका साइज भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और बड़ा हो जाएगा अभी। बहुत सुंदर, बहुत। और ये अच्छा, ये एक और है? दो नींबू के प्लांट। तो ये तो मेरे ख्याल क्वालिटी भर के लिए हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं इनका ये होम मेड अचार इसी से बनाती हूँ। ये मेरे हिबिस्कस प्लांट है। अब इसमें आ गया? हाँ, इस बारी तो सर्दी में भी आते रहे। अच्छा, पता नहीं क्यों बहुत फूल आया सर्दी में। हाँ, दिख रहा है वो। ये फ्लावर प्लांट है। तो फ्रूट्स के भी आपने काफी प्लांट्स लगाए? हाँ, फ्रूट्स के हैं मेरे पास। ये अनार है, छोटे छोटे आते हैं, बहुत खट्टे होते हैं, तो मैं चटनी में यूज करती हूँ। ओके, यूज तो देखो करना ही है, ऑर्गेनिक हो जाता है ना। हाँ, ये मौसमी है। ये अब फ्रूटिंग पे आ गई है अभी। ये भी मेरा हिबिस्कस। तो ये हाइबिस्किस भी एडिबल होता है बोलते हैं? Okay. चाय वाय कई लोग बनाते हैं, कई कुछ बनता है। हाँ, ये भी बहुत तेज हवा जा पाए हो तो। हाँ, ये सारा हाँ, मेरा गिर गया। अब 2-3 लोग आएंगे तो इसको पुल करेंगे, आपके ठीक करेंगे स्टैंड पे। नहीं, क्योंकि आप आए हैं तो ये बिल्कुल ठीक था। पुदीना बकेट में। ओ वाओ, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। ये अमरूद है, अमरूद बड़े अच्छे लिए हैं मैंने। अच्छा। हाँ, मेरे को नर्सरी वाले ने लॉकडाउन में लिया था ये प्लांट मैंने। ओके। तो नर्सरी वाले ने दिया था कि थाईलैंड का है। सच में रेड और मीठा एकदम। अच्छा, बहुत अच्छा अमरूद निकला इसका। बहुत हाँ, पाम की वैरायटी है। दूर करा अब यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे ये पाम के साथ खत्म। सुनीता जी, आपका टूर करके बहुत मज़ा आया। इतनी ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटी और इतने ज़्यादा हमने देखे नए नए फूल, और स्पेशली ट्यूलिप्स, क्योंकि ट्यूलिप्स के लिए हम स्पेशली शांति पर जाते थे। अब अगली बारी हम आपके यहाँ आएंगे। बहुत ज़्यादा बढ़िया, हमने आपके यहाँ पे सारे के सारे फूल देखे और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू। जो किचन वेस्ट होता है सारा उसके ऊपर। तो ये सारी कंपोस्ट जितनी भी आपकी गार्डनिंग है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और सारा ये कंपोस्ट का ही कमाल है। हाँ, ये
वेजीज और इसमें सारा कंपोस्ट ही आता है। फ्रूट्स में मैं होम कंपोस्ट डालती हूँ। अच्छा, फ्रूट्स में आप होम कंपोस्ट, तो फिर ये कैसे बनाते हो आप? सबसे नीचे मिट्टी, अच्छा, या कोकोपीट कुछ भी ब्राउन, और उसके बाद आप छिलके 2-3 इंच हो जाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डालती हूँ, फिर 2-3 इंच छिलके, फिर 2-3 इंच मिट्टी। ओके, इसको एक महीने में तैयार। सूखे पत्ते भी डालते हैं? सूखे पत्ते मैं अलग बनाती हूँ, सूखे पत्तों का। ओके, जितने पत्ते होते हैं इनको इकट्ठा करके एक जगह बोरी में रखती हूँ, उसको थोड़ा पानी छिट्टा देती हूँ और वो हो जाता है। ओके, तो यही आप अपने पूरे गार्डन, मेरे गार्डन में जितना भी जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं उनमें मैं होम कंपोस्ट डालती हूँ। ओके, तो देखिए आपने अपना घर का सारा किचन वेस्ट जो है एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। Recycle, reuse and reduce.